स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई अभी हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है ना भाई, ये देखने में तो आपको कहीं ना कहीं हैरियर जैसी लग रही है। नहीं भाई, लेकिन ये हैरियर की बड़ी बहन हमारे सामने खड़ी है, सफारी। तो आज डिटेल से बात करेंगे भाई इस गाड़ी के बारे में कि इस गाड़ी में आपको यहाँ पे 2024 में क्या प्राइस देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या स्कीम बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं और क्या फीचर्स इस गाड़ी में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में आ गए हैं तो भैया एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं लाते रहता हूँ। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले गाड़ी कौन सी है, कौन सा वेरियंट हमारे सामने खड़ा है। तो ये प्योर प्लस S80 वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है जहां से सनरूफ स्टार्ट होता है। और अगर इसके एक्सशोरूम वैल्यू की बात करेंगे तो 2179 का एक्सशोरूम देखने के लिए मिलता है भाई, जिससे 79 का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 79 यानी 21,79,000 का एक्सशोरूम यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है, जो ऑन रोड आते आते आपको 25,46,000 रुपए का देखने के लिए मिलता है। अब भाई फ्रंट में खड़े बात करेंगे सबसे पहले गाड़ी की चौड़ाई की, तो यहाँ पे भाई आपको 1922 mm की ओवरऑल चौड़ाई यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। भाई फ्रंट से अगर आप देख रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे भाई सेम एज इट इज हैरियर की तरह ही लग रही है। नहीं भाई, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि अगर आप ग्रिल पोर्शन देखेंगे तो इसका ग्रिल पोर्शन आपको काफी ब्रॉड में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक में ही मिलेगा, टाटा का लोगो मिल जाएगा नया वाला जो एम्बलम में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूरा कनेक्टेड DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं जो गाड़ी स्टार्ट होने पे जलते हैं, और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी में DRLs भी आते हैं जो हमेशा कंटिन्यू ऑन रहते हैं। फिर अगर नीचे बात करेंगे हेडलैम्प में, तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे पूरा ग्लॉसी ब्लैक का वर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉग लैंप्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सफारी की बेजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है। फ्रंट में आपको कोई भी क्रोमिंग का वर्क देखने के लिए नहीं मिलता है, पूरी गाड़ी में अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको क्रोमिंग का कोई भी वर्क देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखिए गाड़ी कितनी सुंदर यहाँ पे दिखती है। लोअर बम्पर सेक्शन में यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और हुड में अगर बात करते हैं तो भाई यहाँ पे देखिए आपको कर्ट एंड क्रीज देखने के लिए मिल जाती हैं, जो गाड़ी के लुक्स को काफी बोल्डर यहाँ पे बनाती हैं। और साइड प्रोफाइल्स अगर हम बात करेंगे तो भाई गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। भाई ये देखिए, मतलब लंबी दिखती है, बड़ी दिखती है। बड़ी क्यों नहीं दिखेगी भाई, क्योंकि गाड़ी की जो हाइट है वो भी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाती है। मतलब अगर हम बात करेंगे तो आपको इसकी हाइट जो है हैरियर से ज्यादा देखने के लिए मिलती है, वो कितनी 1922 mm भाई। और यहाँ पे देखेंगे तो B+ भी आपको ब्लैक आउट में देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर से आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाएगी गाड़ी में, और यहाँ पे आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन भी देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए डोर में सफारी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो पहले से गाड़ी के लुक्स को और इंक्रीज कर देती है, लुक्स नहीं प्रीमियमनेस भी बढ़ा देती है। ऐसी कहीं ना कहीं बैजिंग आपने जीप कंपस में जरूर देखी होगी। फिर अगर ओवरऑल लंबाई की बात करेंगे तो भाई 4668 mm की ओवरऑल लंबाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और साइड में खड़े टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं, MRF का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो 235/65/R17 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको भाई रियर में भी डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलते हैं। और क्लैडिंग का वर्क देखेंगे यहाँ पे आपको फेंडर में देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपका रनिंग बोर्ड से लगे हुए पूरा पीछे तक का जाता है। ORVM की बात करेंगे तो ब्लैक फिनिशिंग में ORVM देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और रियर टायर्स में भी देखिए आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलते हैं। और फिर ड्राइवर साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो डीजल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो आपको 2741 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई आपको 205 mm का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब देखने में गाड़ी कितनी बड़ी बड़ी हैवियर टाइप की नहीं लगती भाई। और ये भाई 7-सीटर में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वो तो बात करेंगे अंदर जाके। पहले अब रियर की बात करेंगे तो भाई रियर से गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। भाई काफी बड़ी बड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये आपको टेल लैंप्स LED में देखने के लिए मिल जाते हैं, LED में ही इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये रिवर्स लैंप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी वाला पार्ट आपको रिफ्लेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है, क्रोमिंग का बिल्कुल भी वर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये आपको कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिल जाती है, सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको रिवर्स कैमरा पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, सफारी की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, स्किड प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। भाई पार्किंग सेंसर्स दो ही मिलते हैं भाई, इतनी बड़ी गाड़ी में दो ही पार्किंग सेंसर्स हैं, क्या बात है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको वाइपर है, वॉशर है, और हैमोन स्टॉप लाइट है, डिफॉगर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, स्पॉइलर भी मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ये देखिए आपको शेर और शेरनी के बच्चे देखने के लिए मिल जाते हैं। बूट को ओपन करते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है,
ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से बूट ओपन हो जाता है। बूट में अगर बात करेंगे, अगर आपकी सीट्स ओपन है तो भाई आपको बूट कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब छोटा सा ही बूट है। बट ये सीट्स क्या होती हैं, आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप आपकी सीट्स फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपका बूट स्पेस इंक्रीज हो जाएगा और बूट कैपेसिटी आपकी यहाँ पे 420 लीटर की आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ तो भाई यहीं से अंदर की चेकआउट भी कर लेते हैं। अगर वैसे देखें तो भाई आपको लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको भाई रियर वालों के लिए भी एसी का कंट्रोलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे साइड्स में ही। यहाँ पे आपको टाइप ए का पोर्ट भी है, टाइप सी का पोर्ट भी है, फोन रखने के लिए प्लेस है, मतलब बॉट का फोल्डर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे आपको नेट मिल जाता है जिसमें आप फोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। देखिए जैसा वहाँ पे भी साइड में देखने के लिए मिल रहा है। वैसे पीछे की सीट जो होती है नॉर्मली बच्चों के लिए ही होती है, एडल्ट के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ पीछे चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं, बीच वाली रो में आपके एडल्ट बैठ सकते हैं, फ्रंट में आपके ड्राइवर और को ड्राइवर यहाँ पे बैठेंगे। टोटल 7 लोग यहाँ पे इजी वे में आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई सबसे लास्ट वालों के लिए भी रीडिंग लैंप का ऑप्शन है, जो आपको एलईडी में देखने के लिए मिलता है। मतलब भाई चीजें तो बहुत सही सही दे रही है यहाँ पे गाड़ी के अंदर। तो भाई बूट में कुछ इतना ही, बूट को करते हैं बंद। ये देखिए को ड्राइवर साइड चलते हैं। तो भाई को ड्राइवर साइड सेम एज इट इज, वही चीजें हैं जो आपको ड्राइवर साइड देखने के लिए मिलती थी, कोई खासा चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहां देख लेते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। दरवाजा खोलते हैं तो ये देखिए भाई ओपनिंग आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती है, काफी ब्रॉड ओपनिंग मिलती है। और भाई यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन काफी अच्छा खासा मिल जाता है, बीच ब्लैक और ग्रेश फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जो ग्रेश फिनिशिंग आपको मिल रही है वो भाई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिल जा रही है फैब्रिक में। डोर हैंडल आपको ये देखिए सिल्वर फिनिशिंग में या साटिन फिनिशिंग में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 4000 पावर विंडो के स्विच है, ग्रैबिंग हैंडल यहाँ पे आ जाएगा आपको, बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट है, अम्ब्रेला पॉकेट भी मिलेगी, स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको डोर लैंप भी देखने के लिए मिलता है। ये देखिए फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई ये क्या बात है, इंटीरियर भी भाई जबरदस्त यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बीज और ब्लैक में ना थोड़ा सा प्रीमियमनेस यहाँ पे आपको फील हो जाती है। फिर अगर सीट्स में बात करेंगे तो फैब्रिक में सीट्स आपको मिलती है। एयरबैग की बात करेंगे तो भाई 6 एयरबैग्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। और सीट जो है आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन हाइड्रोलिक में देखने के लिए मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, एसी वेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, आउटर में आपको वही साटिन फिनिशिंग वाला वर्क है, और यहाँ पे साहब गाड़ी का हुड ओपन कर सकते हैं। फिर भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं गाड़ी में और क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, अब देखेंगे तो भाई ये देखिए नजारा एक बार इस तरीके से देख लेते हैं। क्या बात है, स्पेस काफी अच्छा खासा मिलता है भाई गाड़ी के अंदर। बैठा हूँ ना फील होता है कि भाई किसी प्रीमियम चीज में बैठो। टाटा ने तो भाई क्या ग्रोथ करी है यार, हुंडई भी डर रही है टाटा से, तो अब हुंडई तो खैर डर गई, मारुति भी डरने वाली है अब टाटा से। साइड में आपको यहाँ पे डेड पेडल मिल जाता है जिसमें आप पैर को रेस्ट के लिए रख सकते हैं। और फिर बात करेंगे सेंटर कंसोल में तो भाई 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले देखने को मिलता है। इसे ऑन करते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑन हुआ, ये ऑन हो गया। तो ये देखिए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको भाई बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि ये देखिए रिफ्यूल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। दूसरी चीज नेविगेशन भी आपको यहाँ पे इस क्लस्टर में देखने के लिए मिल जाता है। TPMS तो खैर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी सिटी मोड एक्टिवेटेड है तो देखिए वहां पे सिटी लिखा रहा है, और यहां से मैं चेंज करूंगा। देखिए सिटी मोड है यहाँ पे, अब आप तो देखिए लाइट दिख रही, हाथ आ रहा तो नहीं हो रही ना, ये देखिए। तो अब ये हो गया आपका रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, Wet mode is activated. Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. तो ऐसी चीजें यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाती हैं, जो आपका बोलते भी रहता है। ये भी सही चीज है भाई, अगर बूट खुलेगा तो बोलेगा भाई बूट ओपन है, हुड खुलेगा तो बोलेगा भाई हुड ओपन है। मतलब काफी एडवांस चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं दो, उसके नीचे भाई ये आपको पूरा देखिए पैटर्न मिल रहा है ना, दिख ही नहीं रहा कुछ, लेकिन भाई ये टच में आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। ये देखिए आपके हैजर्ड्स ऑन हो गए, तो ये पूरा टच है, एसी कंट्रोल यूनिट टच है, केवल यहीं पे आपको ये स्विचेस देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखिए टाइप ए का पोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट है, और यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए प्लेस मिल जाता है जिसमें आप और भी चीजें कैरी कर सकते हैं। ये मोड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको डायल मिल गया, और गियर नॉब भाई ये काफी प्रीमियम यहाँ पे आपको फील होता है। देखिए खाली स्विच वाला है ये, ऐसे कब करेंगे तो आपका चेंज हो जाती है चीजें, मतलब बार बार खट 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 वैसा नहीं है, खाली एक स्पोर्ट्स फील वाला कि हाँ आप ऐसे करें तो चीजें आपके गियर्स चेंज हो जाएंगे। और ये आपको टॉक कन्वर्टर में देखने के लिए मिलता है भाई। फिर यहाँ पे भी देखिए आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क है, यहाँ पे आपको देखिए ग्रेश वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा। ये हैंड ब्रेक का लीवर है भाई, यहाँ पे देखिए प्लेन वाला जैसा फील हो रहा, चाबी यहाँ पर रखिए, चाबी कुछ इस तरीके से मिलती है।
और यहाँ पर टू कप होल्डर हो गए, आर्मरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका, और इसके अंदर स्टोरेज आ जाएगी, 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट है, टाइप ए का पोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे तो भाई ग्लोब बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से मिलता है देखिए, और ओपनिंग बहुत सॉफ्ट यहाँ पे मिलती है, टैबलेट ट्रे भी मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे एडिशनल स्पेस भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आयर मैन्युअली एडजस्टेबल मिलता है, यहाँ पे आपको माइक की प्लेसिंग है, रीडिंग लैंप यहाँ पे भी आपका एलईडी में देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको भाई पैनोरमिक सनरूफ भी इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कोई टिकट होल्डर नहीं मिलेगा और ना यहाँ पे आपको कोई वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। स्टेयरिंग व्हील की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो काफी स्पोर्टियर फील होता है और ग्रिपिंग काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है भाई, ये टाटा का इल्यूमिनेटेड वाला लोगो जो प्रीमियम फील करा देता है एकदम। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल है, क्लस्टर के कंट्रोल्स देखिए यहाँ से आपके चेंज होते रहते हैं, ये सारी चीजें बताएगा, DEF लेवल है, TPMS है, मतलब सब चीज यहाँ से ये आपको बताते रहते हैं, यहाँ से आप सारी चीजें चेंज, ये ट्रिप वगैरह बहुत सारी चीजें जब आप इसको करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें पता भी चल जाएंगी। पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको देखिए वाइपर के कंट्रोल्स हैं जो ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं जो भी आपको वो भी ऑटोमेटिक में देखने के लिए मिलते हैं और फॉलो मी के साथ देखने के लिए मिलते हैं, और जो डैशबोर्ड है वो पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है, सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बसता है भाई इसका कम्फर्ट, हेडरूम स्पेस वो कैसा मिल रहा है उसकी भी बात कर लें। तो भाई ये देखिए हेडरूम स्पेस की बात करेंगे तो अच्छा खासा है, कम्फर्ट की बात करूंगा तो भाई काफी अच्छी खासी कुशनिंग के साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, आपका बकेट फिट सीट आपको मिलती है जिससे कि आपकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी खासी इंप्रूव भी हो जाती है, और अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो भाई फ्रंट में तो कुछ इतना ही है, फ्रंट में इतना तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है ही है। अब चलते हैं भाई पीछे की सीट्स में देख लेते हैं मिडिल रो में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई पीछे मैं आ चुका हूँ, लेगरूम स्पेस देख लीजिए, नीरूम स्पेस देख लीजिए, काफी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है, मैगजीन पॉकेट वगैरह यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए प्लेस या कोई भी स्टफ कैरी करने के लिए प्लेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं टाइप ए के और टाइप सी के पोर्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो रीडिंग लैंप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है जो एलईडी में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे भी वही चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी जो एसी वेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको पिलर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे वहां पे देख लीजिए, और फिर भाई जो ये बात करेंगे हेडरेस्ट, दो ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो सीट बेल्ट के पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे तीन देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी तीन पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कंफर्ट की वो कैसा है, तो भाई ये देखिए मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मतलब हेडरूम स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और अगर नी रूम स्पेस अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट आपकी अच्छी खासी है, रिक्लाइनिंग पोजिशन थोड़ी सी और टिल्टेड होती ना तो और कंफर्ट अच्छा खासा हो जाता, मतलब और रिक्लाइनिंग एंगल आपको अच्छा खासा मिल जाता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा एकदम फील नहीं होगा कि यार बहुत कम है करके, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये तो था कुछ इसके मिडिल सीट्स का, अब बसता भाई इसका क्या इंजन, इंजन की बात कर लेते हैं, वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पीछे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पीछे क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल जा रही है, कितना स्पेस आपको मिल जा रहा है, मोस्टली वो बच्चों के लिए ही रहता है। चलिए चलते हैं अब इंजन की तरफ। भाई हैवी क्यों नहीं होगा भाई, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप की रेटिंग है इसकी। तो भाई ये है कुछ इसका इंजन, इंजन की बात करूं तो भाई 2000cc का 4 सिलेंडर क्रायोटेक टर्बो चार्ज इंजन देखने के लिए मिल जाता है आपको, जिसकी पावर वही 168 bhp की है जो आपको हैरियर में देखने के लिए मिल रही है, टॉर्क भी वही 350 Nm का देती है ये गाड़ी। माइलेज की बात करेंगे तो डबल डिजिट में माइलेज आपका ये गाड़ी निकाल देती है, बाकी डिपेंड ऑन ड्राइविंग कंडीशन आप किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। और भाई ब्रेकिंग्स में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट जैसी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। और अगर वारंटी की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। बाकी इंजन के पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क आपको देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस सफारी गाड़ी के बारे में, जो हमारे सामने वेरिएंट खड़ा है, इसका प्योर प्लस एस वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। हमने जाने इस गाड़ी के शोरूम वैल्यू, हमने जाने इस गाड़ी के ऑन रोड वैल्यू, हमने जाने कस्टमर बेनिफिट्स आपको क्या मिल रहा है, नहीं जाने क्या, अरे यार वो भी मैं आपको बता दूं भाई, कस्टमर बेनिफिट्स इसमें आपको ऑलमोस्ट 30K तक का देखने के लिए मिल जाते हैं, बट वो वेरी करता है आपके प्रोफाइल पे, आप वो सारी चीजें अगर मैट कर देते हैं यहाँ पे तो वो आपको कस्टमर बेनिफिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिले। अरे भाई ऐसे ही मत जाओ यार, कर लो यार प्रेस कर लो, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा कि हाँ यार मेरी वीडियो पसंद आ रही है लोगों को तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।